सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरे पिछले कुछ एक दो व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने एक बात तो नोटिस जरूर की होगी कि कैमरा होने के बावजूद भी मैं फ़ोन से व्लॉग शूट क्यों करता हूँ। तो इसके मेनली दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि मेरे पास में कोई माइक नहीं है जो कि मैं कैमरे में अटैच कर सकूं और उसके बाद में मैं उससे व्लॉग कर सकूं। पहला रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न ये कि मेरे पास में कोई व्लॉगिंग ट्राइपॉड नहीं है, क्योंकि कैमरे को डायरेक्टली पकड़ना और फिर से व्लॉगिंग करना थोड़ा टफ होता है। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की परचेसिंग करने वाले हैं। मैं चाहता ना तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरे जो कैमरा है उसमें माइक ठीक से काम नहीं करते हैं कई बार, तो इसलिए मुझे ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा और थोड़ा घूम भी लेंगे। तो अभी हम ले चलेंगे यहाँ पर लैपटॉप ताकि टेस्टिंग कर सकें माइक की, उसके बाद में कैमरा, माइक तो इसी में फिट करना है, ये है चार्जर, इसमें हमारा 1650mm का लेंस या नहीं इसमें ही है, और ये रहा हमारा कैमरा बैग। दोस्तों, हम लोग जब भी उज्जैन जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। यहाँ का जो नाश्ता है वो बहुत ही कमाल का, यहाँ के फाफड़े, आलू बड़े, खमन, सब कुछ यहाँ का बहुत ही कमाल का। तो जब भी उज्जैन या इंदौर हम जाते हैं तो रास्ते में यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अभी आ चुका है अमित, सो इसको भी कुछ कैमरा वगैरह लेने हैं, तो ये भी हमारे साथ तो आ गया है, तो चलो चलते हैं आगे। दोस्तों, टाइम हो चुका है हमारे यहाँ पर वीडियो पब्लिश करने का, मैंने कब से अपलोड कर रखा है, कल से, तो उसको हम करते हैं पब्लिश। अनलिस्टेड से हमने करते हैं पब्लिक सेव, और ये जा चुकी है YouTube पर, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों, हम अभी एंटर हो चुके हैं इंडिया की सबसे क्लीन सिटी इंदौर में। तो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पर। यहाँ से मैंने अपना कैमरा परचेस किया है, यहीं से मैंने अपना 50mm का लेंस भी परचेस किया है, और यहीं पर हम देखते हैं अगर माइक वगैरह और जो ट्राइपॉड मुझे चाहिए वो मिल जाए तो यहीं से ले लेंगे। सो चलो एंटर करते हैं अंदर। सो गाइस, ब्लॉगिंग के लिए एक तो ये ट्राइपॉड मेनली सब रिकमेंड करते हैं, एक ये भी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बट ये ना क्या होता है पकड़ने में ठीक से आ नहीं रहा है, बहुत मोटा बहुत है, देखो मेरा हाथ ही नहीं इसमें पहुँच नहीं रहे। सो अभी हमने ये देखा है और इससे मैंने एक टेस्ट भी लिया है ब्लॉगिंग का। एक काम करते हैं, मैं इससे भी एक टेस्ट लेता हूँ और फिर देखते हैं कि कौन सा फाइनल करना है, ठीक है। सो बताना किसी की क्वालिटी इस ऑडियो की, लेट्स सी। और अगर इसी को हम थोड़ा सा दूर रखें एग्जाम्पल के लिए, पकड़ के अगर मैं यहाँ पर हूँ तो क्या मेरी वॉइस को ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो हम देखते हैं, वो भी ऐसी रश में। सो ये सीन है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ से ये नॉइस ठीक से कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो हमें मेनली देखना है, ताकि अगर हम कहीं ब्लॉगिंग करें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो सही से वॉइस आनी चाहिए, उसमें वायर वायर का फंदा मुझे नहीं रखना है, तो इसी का रखना है। तो देखते हैं कैसा क्या सीन है इसका। चेक करते हैं कि कैसी वॉइस आ गई, कैमरे का स्पीकर तो ठीक से होता नहीं है, तुमको इधर ही इंपोर्ट करके वॉइस को सुनना पड़ेगा।
दोस्तों माइक हमने रोड का ना लेते हुए ये वाला माइक हमने लिया है क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत मस्त लगी टेस्ट करके हमने देखा था। और ट्राइपॉड मैंने यहाँ पर ये वाला लिया है, ये भी बहुत मस्त है, स्टेबलाइजेशन भी इसका ठीक ठाक ही है। सो ये दोनों हमने लिए, इसको दोनों को मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो गाइस फाइनली मैंने अपना ट्राइपॉड भी ले लिया, अपना माइक भी ले लिया, माइक की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थे। सो अभी व्लॉग्स इतने नहीं आ पाएंगे लेकिन हाँ इन फ्यूचर में बहुत व्लॉग्स आएंगे और ना सिर्फ व्लॉग्स बल्कि नेक्स्ट लेवल के क्वालिटी व्लॉग्स, जो कि इंडिया में आपको उस क्वालिटी के व्लॉग बहुत ही कम मिलते हैं। भले डेली व्लॉगिंग नहीं होगी लेकिन हाँ जो भी व्लॉग आएंगे उन्हें बहुत क्वालिटी होगी, अभी नहीं आने वाले टाइम में, अब थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को क्योंकि प्लानिंग उसको लेकर के, सो टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जो व्लॉग्स आएंगे वो सारे जो व्लॉग्स आएंगे बहुत ही क्वालिटी में आएंगे। तो गाइज भूख बहुत लगी थी तो फाइनली हमारे पेट पूजा यहाँ पर हो चुकी है और मौसम अभी किसी और ही मूड में। गाइज ये देखो मौसम अलग ही मूड में, फिर से बारिश की याद दिला दी ठंड के मौसम में इसने, बिल्कुल काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और वहाँ पर तो बारिश भी हो रही है, ये देखो उधर बारिश भी हो रही है उस साइड। तो इससे पहले कि बारिश आए हम चलते हैं फिर से अपनी नगरी में। गाइज देखो यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। सो गाइज अभी हम आए हुए हैं उज्जैन अमित के घर पर, ये रहा अमित और उसी कॉलोनी में हमें, और यहाँ पर काफ़ी बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, थैंक गॉड कि अभी नहीं हो रही फिलहाल। ये देखिए ये गीली हो रखी है सड़क और काफ़ी मस्त लग रहा है बारिश होने के बाद में। सो गाइज राइट नाउ अभी मैं हूँ उज्जैन में विडी मार्केट में, यानी कि विक्रमादित्य मार्केट में, और यहाँ पर मम्मी पापा को सामान ले रहे हैं, मैं यहीं पर गाड़ी में हूँ। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि इन फ्यूचर में आपको काफ़ी कमाल के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अभी भले ही आपको कम देखने को मिले, अभी हो सकता है देखने को ना भी मिले, क्वांटिटी अभी बहुत कम हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको बहुत ही कमाल के और बहुत ही अलग टाइप के बहुत ही अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो इस व्लॉग में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।